12 गेंद 68 रन इस बल्लेबाज ने चौके छक्कों से पीटा, सीएसके को तीसरी बार कूटा। 21 साल के ओपनर ने धोनी को किया परेशान, हर कोई हैरान। 12 गेंद 0 रन। मैच के पहले ही धोनी की टीम ने संजू के सामने टेक दिए थे घुटने। संजू आज उस खिलाड़ी को लाए जिसने चेन्नई के तोते उड़ाए। ये दो ओवर बने चेन्नई की हार की सबसे बड़ी वजह। इन दो गेंदबाजों का तोड़ चेन्नई नहीं खोज पाया, राजस्थान को मैच जिताया। जैसे ही संजू ने मैच जिताया, क्यों खुश हो गए धोनी? आईपीएल में आया वो कप्तान जो धोनी की तरह बनेगा महान। संजू के सामने आज कैसे फेल हो गई धोनी की सबसे बड़ी ताकत। धोनी का रिव्यू सिस्टम भी हो गया बेकार, चेन्नई को मिली करारी हार। आज के मैच में पहले लग रहा था कि धोनी की टीम राजस्थान को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन जैसे ही मैदान पर संजू की सेना आई, एक अलग रंग में नजर आई। पहले बल्लेबाजी फिर गेंदबाजी में संजू की टीम ने जिस अंदाज में धोनी की टीम को पीटा है, उसने कमाल कर दिया। लेकिन बात उस बल्लेबाज की जिसके सामने धोनी भी घुटने टेक गए। जो काम इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो काम आज हो गया। साथ ही इस मैच में संजू का वो हथियार जिसने चेन्नई के खेमे में मचा दिया था हाहाकार। चलिए आपको राजस्थान की इस रोमांचक जीत की पूरी कहानी बताते हैं। नंबर एक, पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों ने 200 रनों का बड़ा टोटल खड़ा किया, लेकिन बड़ी बात यह रही कि पहले जायसवाल ने तूफान मचाया और फिर आखिर में जुरैर और पंडिकल ने बेहतरीन फिनिश करके रनों का अंबार लगा दिया। नंबर दो, इस मैच में संजू ने शुरुआत में चेन्नई पर ऐसी लगाम लगाई थी कि शुरुआत के 4 ओवर्स में से 12 गेंद डॉट थी, जिससे राजस्थान की सटीक गेंदबाजी का पता चलता है। नंबर तीन, इस मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट रहे दो ओवर, जिसमें पहला ओवर था ओवर नंबर 15, जिसमें जैम्पा ने मोइन अली को सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया, और दूसरा था 16 ओवर जिसमें संदीप शर्मा ने केवल 4 रन दिए थे। इन दो ओवरों की बदौलत राजस्थान को शानदार जीत मिली। नंबर चार, इस मैच में राजस्थान के मलिंगा के सामने धोनी का मलिंगा कुछ नहीं कर पाया। पिछले कई मैचों से कमाल का प्रदर्शन करने वाले पथिराना को इस मैच में एक भी विकेट नहीं मिला। नंबर पाँच, इस मैच में धोनी भी पूरी तरीके से फेल नजर आए। दरअसल धोनी को DRS लेने में महारत हासिल है। धोनी DRS लेने में इतने सटीक है कि इसे धोनी रिव्यू सिस्टम तक कहा जाता है। लेकिन जयपुर में राजस्थान रॉयल के खिलाफ धोनी रिव्यू सिस्टम भी फेल हो गया। यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बीच धोनी से एक ऐसी गलती हो गई जो उनसे बहुत कम देखी जाती है। नंबर छह, इस मैच में संजू की कप्तानी भी शानदार रही। संजू ने न केवल गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल किया, बल्कि किस बल्लेबाज के सामने कौन सा गेंदबाज लगाना है वो काम भी संजू ने बखूबी करके दिखाया और अपनी टीम को मैच जिताया। आपको बता दें कि इस मैच में राजस्थान की तरफ से 3 गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। पहले गेंदबाज थे अश्विन, जिनके नाम 2 विकेट रहे। अश्विन ने रहाणे जैसे इनफॉर्म खिलाड़ी को आउट किया। दूसरे थे जैम्पा, जैम्पा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए चेन्नई की कमर को तोड़कर रख दिया था। और तीसरे गेंदबाज थे संदीप शर्मा। संदीप शर्मा को बेशक विकेट नहीं मिला, लेकिन इस गेंदबाज ने जिस तरीके से चेन्नई के बल्लेबाजों पर लगाम लगा कर रखी थी, उसने राजस्थान को यह मैच जिता दिया। इस मैच में तारीफ संजू की कप्तानी की भी करनी होगी। संजू ने आज अपने गेंदबाजों का बखूबी इस्तेमाल किया और शुरुआत से ही चेन्नई के बल्लेबाजों पर लगाम लगा कर रखी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आखिर में चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा। आपका राजस्थान की इस जीत पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।